Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Amma ba'd. Suratul Fatiha ayat number 7. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. रुआ उन लोगों की जिन पर तूने इनाम किया, ना उनकी जिन पर गज़ब किया गया और ना गुमराहों की। इस आयत में ईमान वालों को ईमान लाने का हुक्म देना ऐसे ही है जैसे हदायत वालों को हदायत की तलब का हुक्म देना। मुराद दोनों जगह साबित कदमी और इस्तरार है और ऐसे आमाल पर हमेशगी करना जो इस मकसद के हासिल करने में मदद पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ईमानदार बंदों को हुक्म दिया है कि वो कहें रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को हदायत के बाद टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास की रहमत अता फरमा, तो बड़ा देने वाला और अता फरमाने वाला है। ये भी रवायत है कि हज़रत अबू बकर सदीक मगरिब की तीसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद इस आयत को पोशीदगी से पढ़ा करते थे। बस इहदिना सिरातल मुस्तकीम के मायने ये हुए कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम रख और इससे हमें ना हटा। सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ। रब ताला और रसूल के मानने वाले इनके साथ होंगे जिन पर रब ताला का इनाम है, जो नबी और सिद्दीकीन और शहीद और सवाले लोग हैं। ये बेहतरीन साथी और अच्छे रफीक हैं। ये फजल इलाही है और अल्लाह का जानने वाला होना काफ़ी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मतलब ये है कि या अल्लाह तो मुझे इन फरिश्तों, नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालेहीन की राह पर चला जिन पर तूने अपनी अतात और इबादत की वजह से इनाम फरमाया। रबी बिन अनस कहते हैं इससे मुराद अंबिया हैं। इबन अब्बास और मुजाहिद फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मुराद हैं। इबन अब्बास का कौल ज़्यादा कवी और माकूल है। मायना ये हुए कि या रब तू हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया जो हदायत और इस्तकामत वाले थे और अल्लाह के रसूल के अताअत गुजार, उसके हुक्मों पर अमल करने वाले, उसके मना किए हुए कामों से रुक जाने वाले थे। ये थे अनाम याफ्ता लोग। अब देखते हैं मग़दूब अलैहिम, उनकी राह से बजा जिन पर ग़ज़ब गुस्सा किया गया, इनसे कौन लोग मुराद हैं। जिनके इरादे फासिद हो गए, हक को जान कर भी इससे हट के गुमगुश्ता रह लोगों के तरीके से भी हमें बचा ले, जो सिरे से इल्मी नहीं रखते, मारे मारे फिरते हैं, राह से भटकते हुए हैरान सरगुदा हैं और राह हक की तरफ रहनुमाई नहीं किए जाते। लाम अलिफ ला को दोबारा ला कर कलाम की ताकीद करना इसलिए कि मालूम हो जाए कि यहाँ दो गलत रास्ते हैं, एक यहूद का और दूसरा नसारा का। अहले ईमान का तो तरीका तो ये है कि हक का भी इल्म हो और हक पर अमल भी हो। यहूदियों के यहाँ इल्म नहीं और नसारा के यहाँ अमल नहीं, इसीलिए के बावजूद अमल के इल्म को छोड़ना सबब है गज़ब का। वो एक चीज़ का कसर तो करते हैं लेकिन उसके सही रास्ता को नहीं पा सकते। इनके लिए इनका तरीके का गलत है, वो इतबाए हक से हटे हुए हैं। यूँ तो गज़ब और गुमराही उन दोनों जमातों के हिस्सा में है लेकिन यहूदी गज़ब के हिस्सा में पेश पेश हैं। जैसे कुरान पाक में भी आता है सूरह अल माईदा की आयत नंबर 60, मल्लानहुल्लाहु वगदिब अलैहि। नसरानी जलालत में बड़े हुए हैं, फरमाने इलाही है قَدَّلُوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرٌ وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ سورہ المائدہ آیت نمبر 77। ये पहले ही से गुमराह हैं और बहुत से लोगों को गुमराह कर भी चुके हैं और सीधी राह से भटके हुए हैं। मुसनद अहमद में है, हज़रत अदी बिन हातिम फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने मेरी पुप्पी और चंद लोगों को गिरफ़्तार करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो मेरी पुप्पी ने कहा, मेरी खबरगिरी करने वाला दूर है और मैं उम्र रसीदा बुढ़िया हूँ जो किसी खिदमत के लायक नहीं, आप मुझ पर एहसान कीजिए, मुझे रहाई दीजिए।
अल्लाह ताला आप पर भी एहसान करेगा। आपने दरियाफ़त किया कि तेरी खबर लेने वाला कौन है? उसने कहा, अदी बिन हातिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही जो अल्लाह और रसूल से भागता फिरता है। फिर आपने उसे आज़ाद कर दिया। जब लौट कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपके साथ एक शख्स थे और गालबन वो हज़रत अली थे। उन्होंने फरमाया, लो इनसे सवारी मांग लो। फिर पुफी ने आपसे दरख्वास्त की, जो मंजूर हुई और सवारी मिल गई। वो यहाँ से आज़ाद होकर मेरे पास आई और कहने लगी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ने तो मेरे बाप हातिम की सखावत को भी मानित कर दिया। आपके पास जो आया है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। ये सुनकर मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि छोटे बच्चे और बड़े भी आपकी खिदमत में आते जाते हैं और आप इनसे बेतकल्लुफी के साथ बोलते हैं। इस बात ने मुझे यकीन दिलाया कि कैसर कसरा की तरह बादशाहत और जहद के तलब करने वाले नहीं हैं। आपने मुझे देखकर फरमाया, अदी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से क्यों भागते हो? क्या अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक है? अल्लाह पर कहने से क्यों मुँह मोड़ते हो? क्या अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बड़ा कोई है? मुझ पर इन कलमात और आपकी सादगी और बेतकल्लुफी ने ऐसा असर किया कि मैं फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, जिससे आप बहुत खुश और फरमाने लगे, मग़दूबुन अलैहिम से मुराद यहूद हैं और दुआलिन से मुराद नसारा हैं। सूरह बकरा की वायत जिसमें बनी इसराइल को ख़ताब करके कहा गया है, इन पर गज़ब हुआ। अलबकरा की आयत नंबर 90। इसी तरह से अलमाईदा की आयत नंबर 60 में भी कहा, इन पर गज़ब इलाही नाजिल हुआ है। अलमाईदा की आयत नंबर 78 में, बनी इसराइल में से जिन लोगों ने कुफर किया इन पर लानत की गई, दाऊद और ईसा बिन मरियम की ज़ुबानी। ये वजह इनकी नाफरमानी और हद से गुजर जाने की है। ये लोग किसी बुराई के काम से आपस में रोक टोक नहीं करते, यकीनन इनके काम बहुत बुरे थे। तारीख़ की किताबों में है कि ज़ैद बिन अम्र बिन नफील जबकि दीन खालिश की तलाश में अपने साथियों समेत निकले और मुल्क शाम में आए तो इनसे यहूदियों ने कहा कि आप हमारे दीन में तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि गज़वे इलाही का एक हिस्सा ना पा लें। उन्होंने जवाब दिया कि इससे बचने के लिए तो दीन हक की तलाश में निकले हैं, फिर उसे कैसे कबूल कर लें। नसरानियों से मिले, उन्होंने कहा, जब तक बारी ताला की नाराज़गी का हिस्सा ना लें तब तक आप हमारे दिन में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा, हम ये भी नहीं कर सकते। चुनाचे वो अपनी फितरत पर ही रहे, बुतों की इबादत और कौम का दीन छोड़ दिया, लेकिन यहूदियत या नसरानियत इख्तियार ना की। सही बुखारी की रवायत है, किताब मुनाकबुल अंसार बाब हदीस ज़ैद बिन अम्र बिन नफील 3827 नंबर पर। अलबत्ता ज़ैद के साथियों ने ईसाई मज़हब कबूल कर लिया, इसलिए कि यहूदियों के मज़हब से ये मिलता जुलता था। इन्हीं में हज़रत बरका बिन नौफल थे। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ज़माना मिला और हदायत इलाहिया ने उनकी रहबरी की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और जो वही उस वक्त उतरी थी इसकी तस्दीक की। सूरह फातिहा का खुलासा है, ये मुबारक सूरत नहायत कारम मज़ामीन का मजमूआ है। इन सात आयात में अल्लाह ताला की हमद, उसकी बुजुर्गी, उसकी सना और सिफत और उसके पकीज़ा नामों का और उसके बुलंद व बाला सिफतों का बयान है। साथ ही क़यामत के दिन का जिक्र है और बंदों को इरशाद है कि वो इस मालिक से सवाल करें, इसकी तरफ तजर्रो जारी करें, अपनी मस्कीनी और बेकसी का इकरार करें और इसकी इबादत खुलूस के साथ करें और इसकी तौहीद उलूहियत का इकरार करें और उसे शरीक नज़ीर और मिसल से पाक और बरतर जाने। सूरत मुस्तकीम की और इस पर साबत कदमी की इससे मदद तलब करें, यही हदायत उन्हें क़यामत वाले दिन को सिरात से पार उतारे और नबियों सिद्दीकों और सालेहीन सालहों के पड़ोसों में जन्नतुल फिरदौस में जगह दिलवाए। साथ ही इस सूरत में नेक अमाल की तरगीब है ताकि क़यामत के दिन नेकियों का साथ मिले और बातिल राहों पर चलने से डरावा है ताकि क़यामत के दिन भी इनकी जमातों से दूरी हो। ये बातिल परस्त यहूद व नसारा हैं। सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहने की फजीलत और अमाम के पीछे बुलंद आवाज़ से आमीन कहना। सूरह फातिहा को ख़त्म करके आमीन कहना मुस्तहिब है। आमीन मिसल यासीन के है, आमीन भी कहा गया है और इसके मायना यह है कि अल्लाह तो कबूल फरमा। आमीन कहने के मुस्तहिब होने की दलील वो हदीस है जो मुस्नद अहमद, अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में वायल बिन हजर से मरवी है। वो कहते हैं, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहकर आमीन कहते थे और आवाज़ दराज करते थे। अबू दाऊद में हैं, आवाज़ बुलंद करते थे। इमाम तिर्मिज़ी इस हदीस को हसन कहते हैं। मुस्नद अहमद में भी रवायत की 3178 नंबर पर है, अबू दाऊद में 932 नंबर पर, तिर्मिज़ी में
248 नंबर पर शेख अल्बानी ने सनद को जय्यद करार दिया है। हज़रत अली, हज़रत इब्ने मसूद, हज़रत अबू हुरैरा वगैरह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन पहले सफ़ वाले लोग जो आपके करीब होते सुन लेते। अबू दाऊद और इब्ने माजा में यह हदीस है। इब्ने माजा में यह भी है कि आमीन की आवाज़ से मस्जिद गूंज उठती थी। अबू दाऊद किताबुस्सलात 937 नंबर पर, मुस्नद अहमद में 12 नंबर पर, दारकुतनी में यह हदीस है और दारकुतनी उसे हसन बताते हैं। हज़रत बिलाल से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे मुझसे पहले आमीन ना कहा जाए। हसन बसरी और जाफर सादिक से आमीन कहना मरवी है। मुस्नद अहमद में साइशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि हमारी तीन चीज़ों पर यहूदियों को इतना बड़ा हसद है कि किसी और चीज़ पर नहीं। एक तो जुमा के बारी ताला ने हमें इसकी हदायत की और ये बहक है, दूसरा किबला, तीसरा हमारा इमाम के पीछे आमीन कहना। इबन बाजा की हदीस में यूँ है कि यहूदियों को सलाम पर और आमीन पर जितनी चिड़ है इतनी किसी और चीज़ पर नहीं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।